हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपनी लॉ के अंदर करेंगे प्रॉस्पेक्टस। देखो, जो प्रॉस्पेक्टस है बहुत ही सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसको इशू करके क्या है कि जो एक बॉडी कॉरपोरेट है वो पैसा रेज कर सकती है। प्रॉस्पेक्टस के द्वारा क्या होता है कि ये लोगों को इनवाइट करती है कि जो बॉडी कॉरपोरेट की सिक्योरिटीज़ या डिबेंचर्स को परचेज करें। और प्रॉस्पेक्टस के अंदर क्या होता है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं जिसके लिए उसको फंड रिक्वायर्ड होते हैं। प्रॉस्पेक्टस को हम ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं, सेक्शन 270 ऑफ द एक्ट डिफाइन करता है एनी डॉक्यूमेंट विच इज़ डिस्क्राइब्ड और इशूड एज ए प्रॉस्पेक्टस, जिसके अंदर रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस भी आ जाती है, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस भी आ जाती है, कोई नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा हम लोगों से डिपॉजिट इन्वाइट करते हैं, या कोई भी ऐसा नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट जिसके द्वारा हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि वे वो कंपनी के शेयर या डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करें या खरीदें, उसको हम प्रॉस्पेक्टस कह देते हैं। प्रॉस्पेक्टस जो है रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ओरल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। प्रॉस्पेक्टस जो है शेल्फ प्रॉस्पेक्टस को भी कवर करता है। प्रॉस्पेक्टस शेल्फ प्रॉस्पेक्टस का मतलब होता है कि जैसे कोई कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसने साल के अंदर काफ़ी सारे इश्यूज़ लेके आने होते हैं, तो हर इशू के लिए वो अलग से प्रॉस्पेक्टस नहीं निकालेगा, वो शेल्फ प्रॉस्पेक्टस निकालेगा, उसको वो रजिस्टर करा लेगा, वो एक साल के लिए वैलिड होती है। जब वो दोबारा से इशू लेके आता है तो उसके लिए उसको प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं होती। उसी तरह जो रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस होती है, रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस के अंदर क्या होता है कि पूरा जो इशू होता है उसके बारे में कम्प्लीट डिटेल नहीं होती, ना ही कम्प्लीट डिटेल होती है कि उसकी किस प्राइस पे सिक्योरिटी इशू की गई है, सिर्फ अपर एंड लोअर बैंड जो होता है वो दिया होता है। उसी तरह क्या है, अब्रिज्ड जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसके द्वारा लोगों से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जाते हैं, उसके साथ प्रॉस्पेक्टस का लगा मतलब अटैच होना ज़रूरी होता है। लेकिन अब क्या है कि नेचुरली वो बहुत ज़्यादा बल्की हो जाता था, तो अब उसके साथ क्या है कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है पब्लिक इशू के लिए भेजा जाता है उसके साथ अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस की कॉपी अटैच होती है। और जो अब्रिज प्रॉस्पेक्टस है जिसको हम समराइज प्रॉस्पेक्टस भी कह सकते हैं, इसके जो फीचर्स हैं जो कंपनी एक्ट के अंदर फॉर्म 2 एक्ट के अंदर मेंशन है वो होते हैं, और नेचुरली इसके अंदर प्रॉस्पेक्टस के सारे सीलिंग फीचर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम कह देते हैं अब्रिज प्रॉस्पेक्टस। देखो, जो प्रॉस्पेक्टस है कोई भी डॉक्यूमेंट जो रिटन फॉर्म के अंदर है उसको हम प्रॉस्पेक्टस कहते हैं, प्रोवाइडेड कि वो लोगों को इनवाइट करें। देखो, जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं तो वो इनविटेशन टू ऑफ़र होता है, ऑफ़र नहीं होता। ऑफ़र तभी होती है जब पब्लिक जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंपनी को भेजती है। उसके बाद ये है कंपनी के लिए होना चाहिए या कंपनी के बिहाफ के लिए होना चाहिए, इवन इंटेंडेड या प्रपोज कंपनी के लिए भी हो सकता है। और यहाँ पर जो इन्विटेशन है डैट इज़ टू सब्सक्राइब और परचेज ऑफ द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ डैट बॉडी कॉरपोरेट। और देखो, जो लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अगर उसने लोगों से मतलब शेयर जो है सब्सक्राइब या परचेज़ करवाने के लिए इनविटेशन देती है, तो उसके लिए जो प्रॉस्पेक्टस है वो कंपल्सरी होता है, दे हैव टू इशू द प्रॉस्पेक्टस। फिर उसके बाद ही वो लोगों को इन्वाइट कर सकती हैं सब्सक्रिप्शन के लिए और परचेजिंग के लिए, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस के द्वारा ही वो इन्वाइट करती हैं। जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसके लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करना जो होता है नेसेसरी नहीं होता। बट कुछ सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जो प्रॉस्पेक्टस है उसको इशू करने की ज़रूरत नहीं होती। एक तो ये अंडरराइटिंग एग्रीमेंट के अंदर, एक जब पब्लिक को ऑफ़र नहीं किया जाता, अगर एग्जिस्टिंग मेंबर या डिबेंचर होल्डर को दिया जाता है, अगर उनका नंबर 200 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता, अगर जो हमने कोई प्रीवियस इशू निकाला है और अब हम कोई इशू लेके आ रहे हैं उसके सारे फीचर पुराने इशू के साथ मैच करते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर भी क्या है कि हमें प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने न्यूज़पेपर के अंदर या एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में दिया तो भी हमें प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये कि अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो इसको भी प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा हम लोगों को इनवाइट करते हैं, अगर रिटन फॉर्म में है, कोई सर्कुलर है, नोटिस है, कोई एडवर्टीजमेंट है, तो वो प्रॉस्पेक्टस ही मानी जाती है। और अगर कोई डॉक्यूमेंट शेयर के बदले में शेयर की ऑफ़र देता है तो उसको हम प्रॉस्पेक्टस नहीं कहते। इशू टू द पब्लिक का मतलब होता है कि नेचुरली ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों के, सेक्शन ऑफ पब्लिक को भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है
केस के सरकमस्टांसेस के ऊपर। जैसे एक बार क्या था कि एक डॉक्यूमेंट था जिसके ऊपर लिखा था कि ये प्राइवेटली कॉन्फिडेंशियल है, प्राइवेटली सर्कुलेटेड है, वो को डायरेक्टर को भेजा रहता है, उसके अंदर इशू के बारे में डिटेल होती है, लेकिन वो सारे मैटर जो प्रॉस्पेक्टस के अंदर होते हैं वो नहीं होते। वो आगे अपने एडवोकेट को दे देता है, एडवोकेट अपने क्लाइंट को दे देता है, क्लाइंट अपने रिलेटिव को दे देता है। बाद में क्या होता है कि वो कोर्ट के अंदर चले जाते हैं कि ये प्रॉस्पेक्टस के अंदर सारी डिटेल नहीं थी, वहाँ पे कोर्ट कहते हैं कि ये प्रॉस्पेक्टस नहीं था। उसी तरह क्या है कि एक कंपनी जो है 3000 कॉपी जो है प्रिंट करवाती है, उसके ऊपर लिखती है कि ये प्राइवेट सर्कुलेशन की है, कंपनी वहाँ पे कहते हैं कि ये प्रॉस्पेक्टस नहीं है, लेकिन कंपनी कोर्ट ये मानती है कि ये प्रॉस्पेक्टस इशू टू द पब्लिक था। तो इसलिए क्या है कि ये प्रॉस्पेक्टस इशूड है या नहीं है, ये डिपेंड करता है सरकमस्टांसेस ऑफ द केस। उसी तरह क्या है कि नेचुरली जब एक प्रॉस्पेक्टस इशू होता है तो उसकी डेटिंग जो है बहुत ही नेसेसरी है सेक्शन 26 के अंदर। अगर उसके ऊपर प्रॉस्पेक्टस डेटेड नहीं है तो जिस दिन प्रॉस्पेक्टस जो है पब्लिश होता है तो डेट ऑफ पब्लिकेशन ही जो होती है डेट ऑफ प्रॉस्पेक्टस मानी जाती है। और नेचुरली पब्लिकेशन से पहले क्या है कि उसकी एक कॉपी जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भेजनी ज़रूरी होती है, जिसके द्वारा उसकी रजिस्ट्रेशन हो सके। नेचुरली जो टाइम लिमिट होता है ये होता है कि जिस दिन हम प्रॉस्पेक्टस को पब्लिश करें ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन या बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ द प्रॉस्पेक्टस, इसकी रजिस्ट्रेशन करानी ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद जो प्रॉस्पेक्टस है, नेचुरली जो भी पर्सन का नाम एज ए डायरेक्टर मेंशन है या प्रपोज डायरेक्टर मेंशन है, उस सबके द्वारा जो है कॉपी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस जो है साइन होनी चाहिए। उसी दिन ही क्या होता है कि प्रॉस्पेक्टस जो है किस दिन माना जाता है कि ये इशूड है, जिस दिन इसकी फर्स्ट जो एडवर्टीजमेंट है न्यूज़पेपर के अंदर अपेयर होती है उस दिन ये माना जाता है कि प्रॉस्पेक्टस जो है ये इशू हो चुका है। उसी तरह क्या है कि जो प्रॉस्पेक्टस है इसके साथ क्या है कि इसके साथ एक कॉपी मतलब प्रॉस्पेक्टस के अंदर एक डिक्लेरेशन देनी होती है कि इसकी जो कॉपी है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को हमने सबमिट कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए। इसको ये भी स्पेसिफाई करना पड़ता है कौन से डॉक्यूमेंट जो इसके साथ अटैच किए गए हैं। इवन जो कंपनी जो प्रॉस्पेक्टस के अंदर अगर किसी की जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी कंसेंट, ऑडिटर की कंसेंट, अथॉरिटी की कंसेंट भी इसके साथ लगी होनी चाहिए। जो इनक्लोजर्स होते हैं, एक तो जो एक्सपर्ट्स हैं जिनके प्रॉस्पेक्टस के अंदर कोई स्टेटमेंट्स हैं तो उनकी कंसेंट होनी चाहिए कि हाँ आप एक्सपर्ट की जो स्टेटमेंट है उसको यूज़ कर सकते हो। जो कोई भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनी ने एंटर करना है या प्रपोज टू एंटर है उसकी कॉपी होनी चाहिए। इवन जो ऑडिटर्स हैं उनकी रिटर्न स्टेटमेंट होनी चाहिए कि हमने समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, उसके अंदर कोई रीज़न है तो वो भी उसके साथ अटैच होनी चाहिए। उसके साथ है कि देखो जब भी प्रॉस्पेक्टस जो है अगर ये रजिस्टर हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन के 90 डेज़ के अंदर ये इशूड होनी चाहिए। अगर ये 91 डे पे भी होती है तो ये वैलिड नहीं मानी जाती। अगर प्रॉस्पेक्टस जो है इशू हो जाती है लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो पेनल्टी है 50,000 की, जो कि 3 लाख तक एक्सटेंड हो सकती है। उसके बाद क्या होता है कि जब प्रॉस्पेक्टस इशू होती है तो सब्सक्रिप्शन लिस्ट किस दिन ओपन करनी होती है पब्लिक के लिए, ये होता है कि जब प्रॉस्पेक्टस पहली बार इशू होती है तो इशू से जो 5th डे स्टार्ट होता है उस दिन हम सब्सक्रिप्शन लिस्ट खोल सकते हैं और उस डेट के बाद ही हम खोल सकते हैं। नेचुरली 5th डे की बिगनिंग के बाद हम पब्लिक नोटिस दे सकते हैं कि हम इस डेट से सब्सक्रिप्शन लिस्ट को खोल रहे हैं। फिर उसके बाद है कि देखो जो प्रॉस्पेक्टस है इसके अंदर डिक्लेरेशन देनी होती है कि जो भी कंपनी एक्ट के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर प्रोवाइडेड है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है अगर चाहे तो इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकता है, लेकिन उसके पास भी कुछ वैलिड ग्राउंड्स होनी चाहिए। एक तो ये क्या है डेटेड नहीं है, लीगल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई नहीं करती, इवन उन एक्सपर्ट की स्टेटमेंट है जो इसकी मैनेजमेंट और प्रमोशन के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, नेचुरली वो कंसेंट नहीं दे सकते, यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दे सकते, और डायरेक्टर की कंसेंट अटैच नहीं है, ऑडिटर की कंसेंट अटैच नहीं है। तो इन ग्राउंड के बेसिस पे जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है प्रपोजल को जो प्रॉस्पेक्टस है उसको रिफ्यूज़ कर सकता है कि रजिस्टर